क्या हाल है आप लोग के। अच्छा जी, तो आज के वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है बेस्ट के यू बैंड एलन के, ठीक है। तो वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने ये वाली एलन के ब्लैक अल्ट्रा की फ्लैंज एलन, ठीक है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट आपको चेक कराया था। तो आज जो ब्लैक अल्ट्रा की 5103 वाली एलन भी है, तो इसके साथ इन दोनों का आज आपके साथ कंपैरिजन शेयर करने लगा हूँ कि कौन सी एलन भी बेस्ट है, ठीक है। इस वक्त जो आप ये सिग्नल मेरे पास देख रहे हैं, तो ये एलन भी डिस्क पे लगी हुई है 5103 वाली, ठीक है। ये सिग्नल आप देख रहे हैं और ये टीपी आप देख रहे हैं 10992 वाली, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको एस एल एम बी पे 3 टीपी हम चेक करते हैं और उनका सिग्नल आप नोट कर लें। ये है जी 10930 वाली, ठीक है। इसका आप देख लें मेरे पास 92 सिग्नल है। तो इसके अलावा और तीसरी टीपी हम चेक कर लेते हैं 11662 वाली, इसका आप देख लें मेरे पास सिग्नल है 89, ठीक है। तो ये 3 टीपी आपने देख ली है, ये 3 टीपी, ठीक है। तो फिर फ्लैंज एलन भी हम वहाँ पे डिश पे लगाते हैं और फिर उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसके इन 3 टीपी पर कितने सिग्नल मिलते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास 5103 वाली एलन भी लगी हुई है, ठीक है। इनको इसको मैं उतार लेता हूँ और जो फ्लैंज एलन भी है तो वो फिर लगाने लगे। तो ये मैं एलन भी वहाँ से उतार आया हूँ। तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, ये 5103 है और ये है फ्लैंज एलन भी, ठीक है। तो फ्लैंज एलन भी की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये जो छोटी सी एलन भी है और इसके साथ इसका ये अपना फीड ऑन होता है, तो ये देखें ये फीड ऑन होता है और इसको यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन जो डिश पे जो प्लेट है, ठीक है, तो वो प्लेट मेरे पास नहीं है। तो हमारे पास क्योंकि ये वाला पाइप लगता है, तो हम इसी पाइप को मैं जुगाड़ करने लगा हूँ और इसी पाइप को इस तरह से मैं यहाँ पे फिट करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ले ली है ये वाली ग्लू, ये मैंने ग्लू ले लिए, एल्फी कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैं इसको चिपकाने लगा हूँ और आपको इसका फिर रिजल्ट चेक करा। ये मैं ग्लू, ये देखे मैं ये मैंने इस पर लगा दी है, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको लगाने लगा हूँ, बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं। ये देखिए, बस जुगाड़ लगाया है, इस पे मैंने ग्लू से इसको चिपका दिया है, बस आपको इसका रिजल्ट चेक करा। तो डिस्क के पास आ गए हैं, तो जी ये अभी फ्लैंज एलन भी मैं लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको लगा दिया है और इसका रिजल्ट आपको फिर टीवी पर चल के दिखा। तो ये फ्लैंज एलन भी कर देखें आप रिजल्ट, तो 10992 वाली जो टीपी है, तो इसके आप देख लें 45-46 इसके सिग्नल है, बस इससे ज़्यादा इसके सिग्नल नहीं जा रहे। और इसके अलावा जो टीपी और कौन सी आपको चेक कराई थी 10930 वाली, ठीक है। तो एस टीपी के ये देखें 85 सिग्नल है हमारे पास। वो जो दूसरी एल एम बी पे इसके सिग्नल हमारे पास 92 थे, ठीक है। और तीसरी टीपी जो आपको चेक कराई थी, तो वो थी 11662 वाली, तो इसका मेरे पास एस एल एन बी पे 9 सिग्नल है। तो इसका ये रिजल्ट आ रहा है, पर मेरे हिसाब से इसका क्योंकि फीड हॉल ये वाला है, ठीक है, अभी क्या करते हैं कि ये वाला फीड हॉल लगा के तो दोबारा से आपको चेक कराते हैं कि ये वाला फीड हॉल लगाने से कोई फर्क पड़ता है उसमें। हाँ जी, तो ये देखें, ये इसका अपना फीड हॉल मैंने लगा लिया है,
ठीक है, ये आप देख लें। अब इसका भी यूँ समझे कि जुगाड़ ही बस लगाना है। ये वाला जो है ना, ये देखें, ये यहाँ पे हमने इसको फंसाना है। फंसाना किस तरह है वो देखें। ये पहले तो हम ये इस तरह से पाइप लगाते थे, लेकिन अभी ये पाइप ये आएगा इस तरह से, ठीक है। और थोड़ी सी एक यहाँ पे ये हमारी एलएमडी इस तरह से फिट होगी। तो इसके मैं ज़रा सेटिंग कर रहा हूँ, तो फाइनल सेटिंग आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इस तरह से जुगाड़ लगाया है, इसका अपना फीड हॉर्न लगाया है और साथ में जो मेरे पास पाइप होता है वो लगाया है। अब ये देखिए पाइप इस तरह से यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। और अभी तकरीबन मैंने सेटिंग की है तो वही सिग्नल मुझे तकरीबन मिल गया है, ठीक है। अभी टीवी पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये देखें जी, मैंने कहा आपको यहीं पे सिग्नल दिखाते हैं, आप ये ना कहें कि टीवी पे कोई और में। तो अभी ये देखें एस टी पी के मेरे पास 83 प्लस मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं। और ये देखें, ये मैं आपको सिग्नल चेक कराने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने हाथ दिया है तो सिग्नल ख़त्म हो गए, और ये हाथ हटाया है तो दोबारा से मेरे पास सिग्नल आ चुके हैं। तो बाकी टीपी के लिए फिर टीवी की तरफ से, ये देखिए इसका काफ़ी अच्छा सिग्नल मिल रहा है, बल्कि अभी तो 87-88 तक भी सिग्नल इसका जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल है। तो मतलब ये है कि इसका जो अपना फीड हॉर्न है तो वो अगर आप लोग लगाएं तो फिर आपको सिग्नल इसका मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो ये देखें अभी 10-9-30 वाली जो टीपी है तो उसका भी वही सिग्नल है। ये देखें 92 सिग्नल, इसका भी मुझे सिग्नल मिल गया है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी जो टीपी आपको मैंने चेक कराई थी तो वो थी जी 11662 वाली, तो इसका सिग्नल नहीं है अभी, तो इसका सिग्नल अभी मेरे पास नहीं है। तो बाकी जो टीपी हैं तो वहाँ पर उसका सिग्नल मुझे जो पहले था तो वो तकरीबन वही सिग्नल मुझे अभी मिल गया। ये देखें 10-9-30, तो ये भी फिर इसका फ्लाई जलेंडे का रिजल्ट है। तो एक टीपी अभी मिसिंग है, ठीक है, शायद अभी इसके फाइन ट्यून